दोस्तों 2016 में सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन गैलेक्सी नोट 7 कई चीज़ों के लिए फेमस था। एक तो ऑब्वियसली उसकी जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस थी और उसके जो फीचर्स थे वो उस साल के फ्लैगशिप फीचर्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फेमस तो होंगे ही। लेकिन दोस्तों इससे एक और बड़ी बात थी जिसकी वजह से ये फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, या मैं कह लूँ कि इनफेमस हुए यानी बदनाम हुए, और वो था इन फ़ोन्स का ब्लास्टिंग इशू। यानी कि ये जो फ़ोन्स थे ये बहुत आसानी से ब्लास्ट हो जाते थे। टोटल 35 ऐसे रजिस्टर्ड केसेस आए थे जिसमें ये फ़ोन या तो चार्जिंग के वक्त ब्लास्ट हो जाता था या तो नॉर्मली यूज़ करने में भी ये फ़ोन फट जाता था। और यहाँ तक कि इंडिया में तो ऐसा हो गया था कि आप इस फ़ोन को एयरलाइंस में नहीं लेके जा सकते थे, सारी एयरलाइंस ने इस फ़ोन को बैन कर दिया था। और अगर आप लेके भी जाते थे तो ज़रूरी था कि आप उस फ़ोन को जितनी भी देर फ्लाइट में है उतनी देर इस फ़ोन को स्विच ऑफ रखें। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होगी सैमसंग की एज अ कंपनी की, उनकी जो ब्रांड रेपुटेशन है उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ा होगा, क्योंकि ये फ़ोन्स जो थे वो ब्लास्ट हो जाते थे, वो फ़ोन फट जाते थे। और ये जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं अगर ये ऐसी हरकतें करने लग जाएं तो काफ़ी ज़्यादा इमेज ख़राब हो सकती है किसी भी कंपनी की। तो इमेज ख़राब होना तो चलिए छोटी सी बात है, लेकिन इस फ़ोन के ब्लास्ट होने से लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा था। अगर सोचिए आपकी जेब में ये फ़ोन फट जाए तो आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये फेवरेबल नहीं है कि ऐसे ये फ़ोन्स ब्लास्ट हो जाएं। तो आखिर क्या था ऐसा जिसकी वजह से ये फ़ोन्स ब्लास्ट होने लग गए, इतने सारे फ़ोन्स ब्लास्ट हो गए जिसकी वजह से सैमसंग को 3 मिलियन यूनिट्स जो इसके इन्होंने बेचे थे उसमें से 97% यूनिट वापस लेने पड़ गए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैलेक्सी नोट 7 ही ऐसा फ़ोन है जो कभी फटा है या जिसके फटने की खबरें आई हैं। आज भी आए दिन कई ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कहीं फ़ोन ब्लास्ट हो गया, कहीं चार्जिंग होते वक्त फ़ोन ब्लास्ट हो गया। तो ये कोई बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर अनफेवरेबल है, ये ना हो तो अच्छा है। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फ़ोन्स ब्लास्ट होते हैं, और हम और आप क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करें कि ये फ़ोन्स ब्लास्ट ना हो। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि फ़ोन्स अगर ब्लास्ट होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है बैटरी से रिलेटेड। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपका फ़ोन ब्लास्ट होता है या अगर कोई भी फ़ोन ब्लास्ट होता है तो वो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन बैटरी उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। अगर बैटरी सेंट्रल पॉइंट नहीं होती है तो फ़ोन्स ब्लास्ट नहीं करते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं लेकिन ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब जब ये बात क्लियर हो गई है कि जो ब्लास्ट होते हैं फ़ोन के वो बैटरी की वजह से होते हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी फ़ोन की बैटरीज एक्सप्लोड हो जाती हैं। दोस्तों बैटरी के ब्लास्ट होने के मेन दो कारण हैं। पहला ये है कि जब बैटरीज बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं, ओवर हीटिंग की कंडीशन आ जाती है आपके फ़ोन में, तब ये बैटरीज ब्लास्ट हो जाती हैं, यानी कि आपके फ़ोन भी ब्लास्ट हो जाते हैं। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि कंपनी से ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या जो हम एक्सेसरीज यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं उस बैटरी को हार्म करती हैं, और जिसके बाद ये जो फ़ोन्स हैं ये ब्लास्ट होने की कगार पे आ जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओवर हीटिंग होने के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो लापरवाही होती है कि हम लोग कई बार जो है लोकल चार्जर्स ले आते हैं या लोकल जो USBs होती हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, हम उसको जो है यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, इवन डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जब हम ऐसी लोकल USBs को यूज़ करते हैं। और स्पेशली जब आप चार्जिंग करते हैं तो अगर आप कोई भी ऐसे लोकल अडैप्टर ले आते हैं जिसमें किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी फ़ीचर्स नहीं होते हैं, तो ऐसे जो चार्जर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आप जब अपने फ़ोन को चार्जिंग लगाते हैं तो वो आपके फ़ोन को इरेगुलरली चार्ज करता है, ठीक से वोल्टेज नहीं आता है कई बार, और करंट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी अपसर्ज में करंट आ जाता है। तो ऐसे जो चार्जर्स होते हैं इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फ़ोन की ओवरऑल चार्जिंग पे तो असर पड़ता ही है। और अगर ख़तरा फ़ोन के ब्लास्ट होने जितने लेवल का है तो मेरे हिसाब से तो आपको पैसे की उतनी नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि एक ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आजकल के फ़ोन्स में ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चार्जिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना ओरिजिनल चार्जर से करें, क्यों ना उसको अच्छे चार्जर से करें, ताकि किसी भी तरीके की रिस्क का कोई चांस ना रहे।
दोस्तों इसके बाद जो दूसरी गलती अक्सर हम लोग करते हैं वो ये है कि जब हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग कई बार लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं फ़ोन पे, और हम लोग कई सारे जो है गेम्स खेलने लग जाते हैं, और ये 10-15 मिनट तक नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग चार्जिंग के वक्त भी करते रहते हैं, तो इससे फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। ऑलरेडी जब आपका फ़ोन गेमिंग करता है या आप जब कॉल पर बात करते हो तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी थोड़ी सी हीटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको चार्जिंग लगा के काफ़ी देर तक बातें करते रहेंगे या आप गेम खेलते रहेंगे तो इससे और भी ज़्यादा हीट हो जाएगा, और जब माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो यानी कि मौसम में बहुत गर्मी हो तो फ़ोन के ब्लास्ट होने की चांसेस थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको अपने फ़ोन का काम नहीं है उतना तो आप चार्जिंग के टाइम पर उसको ना के बराबर यूज़ करें, या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो आप उसको चार्जिंग से निकाल कर ही करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जब चार्जिंग लगा के फ़ोन से बात करते हैं तो थोड़ा बहुत टहलते रहते हैं, जिसकी वजह से तार जो है वो काफ़ी खिंच सा जाता है और उसकी वजह से प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलती है तो बैटरीज ओवरहीट होती हैं और उससे ब्लास्ट का ख़तरा भी बन सकता है। दोस्तों इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने फ़ोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे कवर्स को ख़रीद लेते हैं और उन कवर्स को हम लोग अपने फ़ोन पर चढ़ा देते हैं, और हमको लगता है कि ये जो कवर्स हैं ये जो है जब फ़ोन गिरेगा तो बहुत अच्छे से उसको बचा लेंगे और इससे तो कोई नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप बहुत मोटे मोटे से कवर्स अपने फ़ोन पे लगा देते हैं तो उस पर नेचुरल कूलिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हिंडर्ड हो जाता है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये गर्मी जो पैदा होती है ये बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, तो इससे हीटिंग का इशू और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लास्टिंग की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। ऐसे कई केसेस आए हैं कि जब लोगों ने बहुत मोटे से कवर लगा रखे हैं अपने फ़ोन में और उसके बाद जब वो गेमिंग करते हैं या काफ़ी देर तक चार्जिंग लगा के रखते हैं या ओवर चार्ज कर देते हैं अपने फ़ोन को, तो ऐसे कवर्स में रह के फ़ोन ब्लास्ट हो जाते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी में फ़ोन को रख जाते हैं और वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हार्श सनलाइट में खड़ी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वो इस लेवल तक गर्म हो सकता है कि आपका फ़ोन अल्टीमेटली ब्लास्ट हो जाए। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी हम लोगों को अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर आपने अपने फ़ोन को कार में रखा हुआ है और आपकी कार सनलाइट में खड़ी है तो ये तो एक न्योता हो जाएगा कि आपका फ़ोन ब्लास्ट हो जाए, तो इस चीज़ से भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि कैसे ओवरहीटिंग से हमारी बैटरीज जो हैं वो फ़ोन्स को ब्लास्ट कर देती हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जो अक्सर हमसे भी हो जाती हैं जिससे हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो सकता है, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे आपके जो स्मार्टफोन्स हैं वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। हर डिपार्टमेंट में ये स्मार्टफोन्स अब 10-12 साल पुराने जो फ़ोन्स आते थे उनसे लाख गुना ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, उनसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। लेकिन जो एक चीज़ है जो ज़्यादा नहीं बदली है इन 10-12 सालों में वो है बैटरी टेक्नोलॉजी। हम लोग आज भी लिथियम आयन बैटरीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन्स में, जो कि एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। लगभग 20-25 साल से भी जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें भी ये लिथियम आयन बैटरीज़ ही यूज़ होती आ रही हैं। अब इस बैटरी के डिपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ तो डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं, बस ये हुआ है कि जो छोटी सी बैटरी आपके फ़ोन में लग के आती है उसमें और भी ज़्यादा जो है चार्जेस की डेंसिटी ठूंस दी जाती है, जिससे वो एक हाई डेंसिटी बैटरी बन जाती है। ऑब्वियसली इससे आपके फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि ये इतने ज़्यादा चार्जेस ठूंस दिए जाते हैं तो एक और डर होता है कि ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर एक साथ कभी मिल जाते हैं तो इससे शॉर्ट सर्किटिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये बैटरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। तो अब ये जब आप बैटरी टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं तो चलिए बताता हूँ मैं कि कौन से ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों हमारे फ़ोन्स आजकल बहुत ज़्यादा स्लिम आने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा पतले फ़ोन्स हो गए हैं, और जितना ज़्यादा हल्का उनको रखने की कोशिश कंपनीज़ करती हैं उतना ही हमें ये फ़ोन ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन उसके साथ साथ हम बैटरी की कैपेसिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें छोटी सी बैटरी चाहिए और एक छोटे साइज़ के फ़ोन में चाहिए, यानी कि एक स्लिम फ़ोन में चाहिए। तो अब ऐसे में कंपनीज़ क्या करें? तो ऐसे में कंपनीज़ बहुत ही कम जगह में बैटरी को एडजस्ट करती हैं ताकि वो अपने बाकी कंपोनेंट्स को भी सही से यूज़ कर सकें, सही से उस फ़ोन में लगा सकें और बैटरी को भी एकोमोडेट कर सकें। लेकिन दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है जब ये फ़ोन्स डिज़ाइन होते हैं, इसलिए इसमें गलती होने की भी काफ़ी गुंजाइश पैदा हो जाती है।
और यहाँ पे मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के केस की, जहाँ पे सबसे पहले ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो बैटरी थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी, कितनी मुश्किल से ये उस डिज़ाइन में एकदम परफेक्टली एकोमोडेट हो पाती थी, जिसकी वजह से जो फ़ोन होता था जब वो चार्ज होता था तो बैटरी के पास बिल्कुल जगह नहीं बचती थी उस डिज़ाइन में कि वो थोड़ा सा या तो एक्सपैंड हो जाए, जिसकी वजह से ये फोन अल्टीमेटली ब्लास्ट हो जाते थे। और इसके बाद जब सैमसंग ने इस इशू को एड्रेस किया तो उसके बाद भी ये फोन्स ब्लास्ट होने लग गए थे, क्योंकि जो बैटरीज थी वो बाद में डिफेक्टिव पाई गई थी। दोस्तों इसके अलावा हम लोग भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। इसमें से सबसे पहला है कि हम लोग कभी बाहर से जो है लोकल बैटरीज़ को लगवा देते हैं, जो सस्ती बैटरीज आती हैं उनको अपने फ़ोन्स में लगवा देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आजकल आपको नॉन रिमूवेबल बैटरीज देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके बाद भी कई सारे लोग होते हैं तो वो पैसा बचाने के लिए इन सस्ती बैटरीज़ को लगवा देते हैं अपने फ़ोन में, और उसके बाद अगर ये फ़ोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं तो वो फिर कंपनीज़ को ब्लेम करते हैं कि ये फ़ोन ही बेकार है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए लोकल बैटरीज़ का इस्तेमाल ना करें, ओरिजिनल बैटरीज़ का ही इस्तेमाल करें, और हो सके तो आप सर्विस सेंटर में ही जाके उस बैटरी को चेंज करवाएं। अब दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि जो बैटरीज होती हैं उसमें एक कैथोड एंड होता है और एक एनोड एंड होता है। तो ये कैथोड और एनोड एंड ये एक बहुत ही पतली लेयर से सेपरेटेड होते हैं, और जब हम अपने फ़ोन को एक्सीडेंटली गिरा देते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है इस पर काफ़ी असर पड़ता है, और एक्सट्रीम केसेस में अगर आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से गिरा है तो ये मेम्ब्रेन टूट सकती है, जिसकी वजह से कैथोड और एनोड के जो आयन्स हैं वो मिक्स हो सकते हैं एक साथ में, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है और अल्टीमेटली आपका फोन ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आपका फोन ब्लास्ट होने के खतरे से बच सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहां मैं रेगुलरली टेक अपडेट्स देता रहता हूं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।